गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे ये वीडियो आज शुभम और रोहित की डिमांड पे बन रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों ने ये बोला था ऑनलाइन क्लास में कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ इस पे वीडियो बना के भेजिए। तो बेटे देखिए, आप सभी बच्चों के लिए है ये वीडियो। जिस बच्चे को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है वो आप क्लियर कर लें, फिर भी नहीं कुछ समझ आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके फिर से पूछिए। तो देखो बेटे, किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर में आपकी बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। उसके बाद फिर हम यूजेस देखते हैं कि उस टेंस के यूज क्या हैं। हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज हैं उनकी बात, उनके बारे में बात जो है हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वर्ब फॉर्म जो है वो कौन सी यूज होती है इस टेंस में। बेटे इस टेंस में वर्ब फॉर्म आपकी फर्स्ट यानी कि बेस फॉर्म यूज होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब बेस फॉर्म के साथ हमें या तो एस ऐड करना है या फिर ई एस ऐड करना है। और वो कैसे ऐड करना है चलिए देखते हैं, इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं हम। फर्स्ट विद मोस्ट वर्ब्स ऐड एस, ज्यादातर मैक्सिमम वर्ब्स जो हाँ आप देखेंगे वो क्या लेंगी, आपका केवल एस लेंगी। जैसे लीव लीव्स, सिट सिट्स, स्टे स्टेज। अब जहां आप देखेंगे कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो वहां आपने क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है, और क्या वाई को रिमूव करके वहां पे आई कर देना है। जैसे देखिए ट्राई, टी आर वाई, वाई को हमने हटाया और आई ई एस यूज किया, ट्राई ट्राइज बन गया, क्राई क्राइज बन गया। ये नेक्स्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ होता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। जो आपकी वर्ब्स एंड हो रही हैं, एंडिंग में जिनके एस है, डबल एस है, जेड है, सी एच है, एक्स है या फिर ओ है, तो वहाँ आप ई एस ऐड करेंगे। एग्जांपल्स देखिए, मिस ई एस आपने ऐड किया तो मिसेस, बज बजिस, कैच कैचिस, फिक्स फिक्सेस, गो गोज, डू डस। ये रूल है, ये एक्सेप्शन नहीं है। इसी पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं सेंटेंसेस में यूज करते हुए इन वर्ब्स को जिनके साथ ई एस लगा है कि कैसे यूज करना है। देखियो देखिए, रूल वही है, सी एच एस एच एक्स एस एस ओ, और कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो हमने ई एस एड करना है। बेटे एग्जाम्पल देखेंगे, We work in an office, you work in an office, they work in an office. यहाँ आपने देखा work के साथ हमने es ऐड नहीं किया। रीजन क्या, कि हमारे पास सब्जेक्ट जो थे वो we, you और they थे, जबकि आपका रूल क्या कहता है कि आपके पास थ्री conditions होनी चाहिए, और वो कंडीशन थ्री जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक हम es verb के साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। और वो थ्री कंडीशंस कौन सी है बेटा, वैसे तो नाइन्थ में आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया था, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से समझें इनको, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। बेटे बहुत गौर से सुने, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि ना तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो ना आपका इंटरोगेटिव हो। तो यदि सिंपल सेंटेंस होगा तो आपका ई एस यूज होगा, ये पहली कंडीशन है। और सेकंड आपकी कंडीशन है कि आपका थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन आपको पता है, फर्स्ट पर्सन आई वी, और सेकंड पर्सन यू, और बाकी आपके कौन से थर्ड पर्सन है। और इसके बाद आपका जो है सिंगुलर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ये है, यानी कि एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर एक के बारे में बात होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो आपने ई एस लगाना है, सिंपल सेंटेंस, थर्ड पर्सन, सिंगुलर। अब आप एग्जाम्पल्स से यहाँ देखिए, ये जो तीनों एग्जाम्पल्स गिवन थे, वी आपका फर्स्ट पर्सन है इसलिए बेस फॉर्म नो ई एस, यू सेकंड पर्सन है इसलिए केवल बेस फॉर्म नो ई एस, और दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, पर बेटे ये प्लूरल है इसलिए आपका खाली वर्क लगेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल्स, ही वॉचेस टेलीविजन, सिंपल सेंटेंस है, थर्ड पर्सन है ही, और ही सिंगुलर भी है इसलिए क्या यूज किया, ई एस। और ही वॉशिज द डिशेज, एस एच है पीछे, ऊपर वाले सेंटेंस में सी एस था। और शी फिक्सेस रेडियोस,
एक्स है तो ई एस लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल सेंटेंस है। ही मिसेस हिज गर्लफ्रेंड, शी गोज टू स्कूल, शी डज हिज होमवर्क, शी डज हर होमवर्क करें आप यहाँ पे, हिज नहीं, और ही स्टडीज इंग्लिश। तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियर है कि आपने क्या देखा, वर्ब्स में आपने पहले चेक किया सी एच है, एस एच है, एक्स है, एस एस है, ओ है, और यहाँ पे वाई स्टडी में वाई को रिमूव करके आई ई एस यूज किया। तो यहाँ तो आपने क्या देखा कि वर्ब्स को में यस क्यों ऐड किया, और आगे वो सब्जेक्ट की वजह से यूज होगा, ये स्पेलिंग था, आगे आपने सब्जेक्ट को चेक करना है, इन दोनों को चेक करके उसके बाद आपने ई एस लगाना है बेटे। अब हम थोड़ा सा टेबल को देखते हैं, इसमें इस टेबल से क्या देखेंगे हम कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, और डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले टेंस को, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए बेटे सब्जेक्ट, जो पॉजिटिव के जस्ट नीचे आपका लिखा हुआ है, और इस टेंस में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी टू हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, डू और डज। डू बेटे प्लूरल के साथ यूज करेंगे और डज हम के साथ यूज करेंगे, और आपकी डू और डज सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल भी यूज नहीं होंगी। ऑलवेज रिमेम्बर, सिंपल सेंटेंस में या तो आपका बेस फॉर्म यूज होगा या फिर वही जो अभी हमने सीखा था एस या ई एस यूज होगा। नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट और यूज करेंगे। इंटरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस से बाहर रखेंगे। डब्ल्यू एच में भी इसी तरीके से हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई प्ले फुटबॉल, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम प्ले के साथ क्या नहीं लगा रहे, एस या ई एस जो है वो ऐड नहीं होगा। अब आई प्ले फुटबॉल, आई के साथ हमेशा डू वर्ब यूज हो, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो नेगेटिव बना, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हमने डू को बाहर ले लेना है, नेगेटिव नहीं है ये, खाली इंटरोगेटिव है, नॉट को रिमूव कर दिया, तो डू आई प्ले फुटबॉल आपका क्वेश्चन बन गया। अब वेयर से बनाया तो वेयर डू आई प्ले फुटबॉल, अब वेयर डू, डू हमने आई से पहले रखा क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव है, तो वेयर डू आई प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट आपका यू स्टडी डेली, अब यू आपका सेकंड पर्सन है इसलिए स्टडी के साथ कोई आई ई एस नहीं लगेगा, तो यू स्टडी डेली, अब नेगेटिव यू के साथ डू लगाते हैं, यू डू नॉट स्टडी डेली, अब डू को बाहर निकालिए इंटरोगेटिव के लिए, डू यू स्टडी डेली, और नेक्स्ट व्हाट डू यू स्टडी डेली। He goes to school. He third person है, singular है, simple sentence तो है ही, तो क्या use किया es, तो he goes to school. He singular है तो does से, he does not go to school. अब does को आप क्या ले आए, subject से बाहर आपने place किया, क्यों, क्योंकि interrogative है, तो does he go to school. अब how does he go to school, how के साथ use किया आपने। She makes tea, अब she क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए मेक के साथ बेटा हमने एस लगाया, तो शी मेक्स टी, और शी सिंगुलर है तो डज यूज हुआ, शी डज नॉट मेक टी, और शी से पहले, सब्जेक्ट से पहले हमने क्या पुट किया, डज यू पुट किया, तो क्या बना इंटरोगेटिव, तो डज शी मेक टी, व्हेन डज शी मेक टी, ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली से। नेक्स्ट है इट रेन्स इन रेनी सीजन, इट के साथ, तो इट भी आपका सिंगुलर है, इट डज नॉट रेन इन रेनी सीजन, अब डज बाहर प्लेस करेंगे, डज इट रेन इन रेनी सीजन, व्हेन डज इट रेन। नेक्स्ट वी स्पीक इंग्लिश, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल इसलिए कोई ऐसी आई एस नहीं, अब वी प्लूरल है, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, हाउ डू वी स्पीक इंग्लिश, अब दे हेल्प पुअर, दे डू नॉट हेल्प पुअर, डू द हेल्प पुअर, डू दे आएगा बेटे यहाँ पे, डू दे हेल्प पुअर, हाउ डू दे हेल्प पुअर। अब जॉन राइट स्टोरी, जॉन सिंगुलर है तो जॉन डज नॉट राइट स्टोरी, अब डज जॉन से सब्जेक्ट से पहले हम डज प्लेस करेंगे, डज जॉन राइट स्टोरी, व्हाट डज जॉन राइट। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स प्लूरल है इसलिए हमने फ्लाई को फ्लाइज नहीं किया,
तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स प्लूरल है तो डू यूज किया, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे क्या इसके यूज क्या है वो थोड़ा सा हम डिटेल में सीखेंगे अभी। और ये आप लोगों को अभी ऊपर जो है वो जो ये एक्सप्लेन किया हुआ है ये ऑलरेडी आपको समझा दिया गया। अब इसके यूसेस और एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ। जब हम जनरल आम ट्रुथ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमने क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे सन क्या, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस किसका है, जनरल ट्रुथ, यानी कि और पूरे के पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी आप देखेंगे, जाएंगे, पूछेंगे तो एवरीबडी नोज कि सन राइजेज इन द ईस्ट और द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं। या फिर साइंटिफिक ट्रुथ जो है वहां पे जिस क्या यूज होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है बेटे। अब बात करते हैं हैबिट की, यानी कि जब आप हैबिचुअली यानी कि डेली कोई काम करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को आप बैडमिंटन खेलते हैं या फिर आप कुछ और खेलते हैं। सुबह उठने से लेके शाम तक जो चीजें आप रूटीन में करते हैं वो आपकी क्या है, हैबिट्स हैं। सपोज आप कहते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आई डू दैट, जो आपके रूटीन की चीजें हैं वो क्या है, हैबिट है आपकी, उनमें आप क्या सिंपल प्रेजेंट ही यूज करिए। नेक्स्ट आपका फ्यूचर टाइम टेबल्स, जब आप फ्यूचर के लिए ऑलरेडी टाइम टेबल बना लेते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। आर ट्रेन लीव्स एट 9 AM, आपको पता है कि आपने 9 AM वाली ट्रेन से जाना है तो आपका ये ऑलरेडी टाइम टेबल, ये शेड्यूल आपने फिक्स किया हुआ है तो आपका क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर आफ्टर वेन और अंटिल, यदि आपका सेंटेंस जो है वो एंटिल और वेन से कनेक्टेड है तो आपने क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे आई वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, मैं नहीं जाऊंगा बाहर जब तक बारिश जो है वो नहीं रुकती, तो यहाँ अंटिल के बाद इट स्टॉप्स, ये आपका क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पे आपका फर्स्ट पोर्शन में विल नॉट का क्या कंट्रेक्शन फॉर्म है वॉन्ट, ये यूज हुआ है, और नेक्स्ट पोर्शन में आपका सिंपल प्रेजेंट स्टॉप के साथ एस यूज हुआ है, स्टॉप्स। नेक्स्ट आपका रूल है बेटे परमानेंट सिचुएशंस, जो चीजें परमानेंट हैं यानी कि जिनको आप वही बात है रूटीन में कर रहे हैं तो वो भी आप वहां भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है, जिस तरीके से टू बी की फॉर्म है आई एम अ टीचर यू आर स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके क्या है, परमानेंट सिचुएशन है। माई फादर वर्क, जहाँ भी आपके फादर वर्क करते हैं ऐसे ही आपके योर मदर, और जिस तरीके से आप कहें आई लिव एट, हम कहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, तो वो आपकी परमानेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। नेक्स्ट आपका फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन गिवन होती हैं वो भी आपकी किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। आप न्यूज़पेपर को उठा के देखिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर को। मैन एंटर्स स्पेस, अब ये हालांकि स्पेस में एंटर हो चुका है लेकिन ये नहीं लिखते कभी भी न्यूज़पेपर में मैन एंटर्ड स्पेस, ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे ताकि उससे प्रेजेंट से वो चीज जो है कनेक्टिड कनेक्टेड जो है हम फील करें। नेक्स्ट आपका विद नॉन प्रोग्रेसिव, जहाँ पे जो चीज प्रोग्रेसिव नहीं होती यानी कि जो चीज कंटिन्यूटी में नहीं होती वहां पे भी आप क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखिए आई बिलीव दैट यू आर इनसेंट, आई बिलीव, ये क्या है आपका, नॉन प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट है आपका वेन टेलिंग स्टोरीज, जब स्टोरीज हम बताते हैं तो वो भी यदि थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से लाइवली तरीके से हमने बताना है तो हम सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं, अदरवाइज स्टोरीज जो है वो मैक्सिमम जो है किसमें, सिंपल पास्ट में या फिर पूरा कंप्लीट पास्ट में, पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हुए हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए प्रेजेंट में कैसे, सडनली द विंडो ओपन्स एंड अ मास्क्ड मैन एंटर्स, अचानक से विंडो खुलती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी एंटर करता है, यानी कि ड्रामेटिक तरीके से हम उसको बताते हैं,
ज़्यादा संजीदा बनाने के लिए, लाइवली बनाने के लिए। नेक्स्ट, फॉर गिविंग डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, जब डायरेक्शन हम देते हैं या फिर किसी तरीके की इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग एंड विस्क विद शुगर। आप पहले अंडा जो है वो फोड़ेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, एग को फोड़ के फिर उसको विस्क करेंगे शुगर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, जब किसी तरीके की कोई रेसिपी बनानी है तो वो सारी आप किस में बताते हैं, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन किस में देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। नेक्स्ट बेटे, सेम वही रूल्स हैं जो हमने किए एग्जाम्पल्स, और इनके अलग हैं तो आप इनको स्टडी करिए, आप समझ जाएंगे, अपने आप ही समझने की इनको कोशिश करनी है। ना समझ में आए तो फिर पूछना है। यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज है जो आपने, जो ये आप अभी तक रूल किए हैं उनके बेसिस पे है ये, आप इसको फिल करेंगे और फिल करके मेरे पास सेंड करेंगे। होपफुली रोहित एंड शुभम बेटे अच्छे से वॉच करना, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को ये टेंस क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू बेटे, हैव अ नाइस डे।